नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो आलमिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये जो विशाल वृक्ष दिखा रहा हूँ, इसे आप लोग देख करके शायद पहचान रहे होंगे। अगर नहीं पहचान रहे होंगे तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये जो विशाल वृक्ष दिखा रहा हूँ ये इमली का पेड़ है, इमली का वृक्ष है और इसमें अभी बहुत सारा इमली का फल लगा हुआ है और इसके नीचे में भी बहुत इमली गिरा हुआ है, जिसे मैं अभी इकट्ठा करके ले जाने वाला हूं और इसके प्रयोग करने वाला हूं। तो साथ ही मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे बता देता हूं ताकि आप लोग भी इसे उपयोग करके फ़ायदे ले सको, क्योंकि इमली मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। एक एक चीज़ पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है, हर गाँव देहात शहर में यह इमली का पेड़ पाया जाता है और बाज़ारों में भी खूब मिलता है। इमली से बहुत सारे खट्टी मीठी व्यंजन बनाई जाती है और सबसे ज़्यादा गोलगप्पों के दुकान में भी इसका पानी बनाया जाता है। इमली बहुत खट्टी होती है, इसलिए इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और लड़कियां इमली ज़्यादा खाना पसंद करती है। तो लड़कियां इमली ज़्यादा खाना क्यों पसंद करती है, इसे भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। पहले मैं आप लोगों को इसके जो होने वाले बहुत सारे फ़ायदे हैं उन सब फ़ायदों को बता देता हूं ताकि आप इमली के सभी प्रकार के फ़ायदे ले सको। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इमली के पत्तों के फ़ायदे बता देता हूं। इमली के पत्ते के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर इमली के पत्तों को चटनी की भांति कूट पीस करके कोई जहरीला कीट पतंग बिच्छू तथा या मधुमक्खी जो भी काट लेता है तो वहाँ पे लगाते हो तो उसका दर्द शांत हो जाता है और ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इमली के फलों के फ़ायदे बता रहा हूँ। इमली के फल का क्या क्या फ़ायदे आप उठा सकते हो। इमली के फलों को यदि तोड़ोगे तो उसका छिलका निकलता है और उसके अंदर में इमली का गुदा होता है और उस गुदे के अंदर में इमली का बीज होता है। तो सबसे पहले ऊपर में जो छिलका होता है, इस छिलके को आप जला करके पाउडर बना करके उस पाउडर को आप किसी भी प्रकार की जो पुराना सड़ा गला घाव हो उस तरह के घाव में मलहम की भांति लगाते हो तो यह घाव को बहुत जल्द ठीक करता है और घाव को बहुत जल्दी सुखाता है। तो इमली के छिलके का यह बहुत ही अद्भुत गुण होता है। इमली के जो गुदा होता है, इस गुदे को आप रात भर पानी में भिगो दो 5-10 ग्राम और सुबह उस पानी को छान करके उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके अगर हर रोज़ पीते हो लगभग 1 माह तक, तो किसी भी प्रकार की जो पेट में चर्बी बढ़ी हुई रहती है, मोटापा जिनका बढ़ चुका होता है उनकी मोटापा कम करना भी हद तक मदद करता है। इमली का इस तरह से निकाला गया पानी सुबह सुबह पीने से शहद मिला करके बहुत जल्द मोटापा घटने लगता है और आदमी अपने आप को फिट महसूस करने लगता है। इमली में कैंसर विरोधी गुण भी पाया जाता है। इस तरह से जो मैं बताया, रात में गुदे को पानी में डाल करके सुबह उस पानी को छान करके उस पानी में आप अगर हल्दी मिला करके प्रतिदिन पीते हो तो आपको कैंसर कभी नहीं होगा। इमली का अब मैं आप लोगों को वो रहस्य और जानकारी बता रहा हूँ जिसकी वजह से लड़कियों के मुँह में इमली का नाम सुनते ही ज़्यादा लार टपकने लगता है या फिर वे लोग इमली खाने के लिए ज़्यादा उत्साहित क्यों रहते हैं। इमली का पानी पीने से या फिर इमली का जो भी व्यंजन हो या फिर सीधा इमली खाने से ही एक बहुत ही अंदर से उनको आनंद फील महसूस होता है, उनको एक तरह से मान के चलो चरम सुख की प्राप्ति होती है। मैंने कई महिलाओं को बात करके पूछा है कि इमली आप लोग को खाने का ज़्यादा मन क्यों करता है, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि इमली खाने से हमारा मन तृप्त होता है और एक प्रकार से उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो अंदर की गर्मी होती है वह शांत होती है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनकी आत्मा शांत हो गई इमली खा करके। बस इसी शांति के लिए, इसी चरम सुख के लिए वे लोग इमली खाने के लिए तड़पते हैं। अब मैं आप लोगों को इमली के जो अंदर का गूदे का अंदर में बीज होता है काला काला, जो इस तरह से अभी आप देख पा रहे हो, इन बीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग आप लोगों को बताने वाला हूँ। जिसकी मर्दाना ताकत कम हो गई है, शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई है, जिसका वीर्य पतला हो गया है, सप्त धातु पुष्ट नहीं है, गाढ़ा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जरूर एक बार इमली का बीज ट्राई करना चाहिए। इमली का बीज ही एक ऐसा औषधि है, दवा है, जो सबसे कम समय में वीर्य को गाढ़ा करता है। बल्कि यूं कहा जाए कि इमली का बीज तुरंत वीर्य को गाढ़ा करता है और मर्दाना ताकत को बड़ी तेजी से बढ़ाता है, इसलिए कई लोग इसे शिलाजीत का बाप भी कहते हैं। तो मैं आप लोग को आज इमली के बीज का मर्दाना ताकत बढ़ाने वाला
वह अद्भुत चमत्कारी फायदा प्रयोग बताने वाला हूँ। उसके लिए आमली के बीजों को निकाल लीजिए अंदर से और उन बीजों को 48 घंटे के लिए पानी में डुबो करके रखिए। जब 2 दिन हो जाए पानी में भीगा हुआ बीज पूरी तरह से आपको लगे कि यह पानी में भीग करके फूल गया है तो आप उसे तोड़ करके उससे उसका छिलका निकाल लीजिए। ऊपर का जो काला वाला होता है उस छिलके को उतार लीजिए। उस छिलके को उतारने के बाद दोस्तों आप उसके अंदर में जो सफ़ेद सफ़ेद गिरी होता है उस गिरी को इकट्ठा करके सुखा लीजिए हल्के धूप में। 1 दिन सुखाने के बाद वह पूरी तरह से सूख जाएगा। अब इसका पाउडर बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण में आप आंवले का चूर्ण मिला लीजिए। अगर आंवला आसपास नहीं मिलता है तो पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा, सूखा आंवला मिल जाता है आसानी से, तो सूखा आंवला का चूर्ण ले आइए या फिर सूखा आंवला ला करके चूर्ण बना लीजिए। अब इमली के बीजों का छिलका उतारा हुआ गिरी का चूर्ण और आंवले का सूखे आंवले का चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके डिब्बे में रख लीजिए। लगभग आपको 1 महीना के लिए इसको रखना है, 1 महीना इस्तेमाल करना है और प्रतिदिन आपको इसमें से 1-1 चम्मच निकाल कर शहद के साथ नाश्ता या भोजन के बाद लेना है। इस तरह से अगर आप प्रतिदिन लेते हो तो 1 खुराक में ही आपको लगने लगेगा कि आपकी धातु रोग, आपकी शीघ्र पतन, आपका स्वप्न दोष ठीक हो गया। 1 महीना जब कंप्लीट ले लेते हो तो निश्चित रूप से आपका जो भी गुप्त रोग है जड़ समेत नष्ट हो जाएगा। भयंकर मर्दाना शक्ति पैदा होती है शरीर में और शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होने में देर नहीं लगता। यह बहुत ही सस्ता और गजब का ताकतवर नुस्खा है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और खुश रहिए। इसका प्रयोग करने से आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी और स्वप्न दोष की समस्या खत्म होगी, सप्त धातु पुष्ट होगी और कभी भी आपके हाथ में निराशा नहीं आएगी। तो मेरा विश्वास कीजिए, एक बार इस प्रयोग को करके देखिए, निश्चित रूप से हमेशा जीतोगे, कभी नहीं हारोगे अपनी बीवी से। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इमली के फायदे और इमली के बीज के फायदे आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग इससे फायदे उठा सकें। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।